शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30/6/12। आज फिर बाबा हमें ले चल रहे हैं रेस के मैदान पर, जहां हम सभी घोड़ेश्वार अर्थात घोड़े, पुरुषार्थी घोड़े दौड़ रहे हैं। तो दौड़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, रेस है। रेस में क्या होगा, कोई विजयी बनेगा तो कोई पीछे भी रह जाएगा, हार खाने वाले। तो बाबा आज हमें बता रहे हैं कि हम बच्चों की रेस कैसे रहेगी, कौन विजयी बनेंगे और कौन पीछे रह जाएंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, घोड़े हो, तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। हम घोड़े दौड़ रहे हैं किसके लिए, विजयी रत्न बनने की। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। हम सब कहलाने में घोड़े हैं, लेकिन हम सब महारथी घोड़े हैं, पहुंचे हुए विजयी पाने वाले घोड़े हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन। अब जो महारथी घोड़े हैं वो जरूर कहेंगे सतो प्रधान पुरुषार्थी, और जो धीरे दौड़ते हैं, अलबेले दौड़ते हैं या फिर हार खाने पर आते हैं, वो हो गए तमो प्रधान पुरुषार्थी। उत्तर है, बाबा कहते हैं, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात रचयिता को पहचानते हैं जो रेस में आगे करने वाला है, और फिर वो जो हमें पुरुषार्थ करा रहा है और क्यों करा रहा है, क्या प्राप्ति होगी हमें, विजयी रत्न बनेंगे तो क्या मिलेगा, वो जो जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है, और तमो पुरुषार्थी वह हैं जो कहते कल्प कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। हाँ, ये सोचकर वो क्या हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन होकर के बैठ जाते हैं। गीत बजा है, ये गीत भी शायद सुना भी हो ना भी सुना हो, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। तो गीत में परमपिता परमात्मा को हम बच्चे जैसे याद दिलाते हैं कि आप जिन बच्चों को भूल गए हैं हम वो बच्चे हैं आपके, लेकिन ये तो उल्टी बात है। वास्तव में पिता तो भूला ही नहीं हमें, तब तो वो सृष्टि पर आए हम बच्चों के ऊपर रहम खाकर प्यार देकर फिर से हमें अपना बना रहे हैं, लेकिन हम बच्चे भूल गए उसको कि वो कौन है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों के द्वारा नहीं करना है, संस्कारों को रॉयल बनाना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। बाबा ने संस्कार याद दिलाया, संस्कृति याद दिलाई, हमारे मैनर्स याद दिलाए, और फिर निडर बनाने के लिए उमंग भी भरा, और अभी उत्साह भरते हुए हिम्मत भरते हुए कहते हैं, ज्ञान योग में लक्ष्य बता रहे हैं, तीखा बनना है, आगे जाना है। नंबर दो है, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है, उल्टी मत पर नहीं चलना है, खबरदार रहकर याद की रेस करनी है। वरदान है,
अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। हमारे कर्म क्या बन जावे? दर्पण। जिस दर्पण में लोग देखे ब्रह्मा बाबा को, अर्थात हमारे कर्म ऐसे हो जैसे ब्रह्मा बाप के कर्म, तो वो देखकर वो ब्रह्मा बाप को देखे और ब्रह्मा बाप समान बने। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रख कर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा, मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी, तो ये सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुखता को छोड़ अंतर्मुखी और एकांतवासी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।